जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं तंत्र शास्त्र के एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको कि जिसको करने से कोई भी मनुष्य बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में धन को प्राप्त कर सकता है। बहुत ही आसान उपाय है, इसको कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में काफी ऐसे तंत्र मंत्र टोने टोटके हैं कि जिसको करने से व्यक्ति अपने जीवन में वो सारी खुशियां पा सकता है जो वो पाना चाहता है, और खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी एक खुशमय जीवन दे सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये उपाय में आपको करना क्या है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जैसे कि उल्लू जो पक्षी होता है वो माता लक्ष्मी का वाहन होता है, तो यह तंत्र क्रिया उसी पर आधारित है। यदि आपको कहीं पर उल्लू का नाखून मिल जाता है, देखिए तंत्र विधि करने के लिए आपको किसी भी पशु पंछी प्राणी को नुकसान करने की, हानि पहुंचाने की, दुख दर्द देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी किस्मत में वो चीज है तो वो आपको ढूंढने पर आसानी से मिल जाएगी। कहीं पर यदि कोई आपको इस तरह से चीज मिलती है तो उसको आप ले लें। अब ये जो क्रिया आपको करनी है, इसको आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपको दो ही दिन ये क्रिया को करना है, या तो पूर्णिमा के दिन करें या तो शुक्रवार के दिन करें। किसी भी एक दिन आप इस क्रिया को करें। और करना कैसे है ये मैं बता देता हूँ, बहुत ही आसान विधि है। आपको इस क्रिया को मध्य रात्रि को करना है। आप 12 से 1 के बीच का जो समय है या 11 से 1 के बीच का जो समय है, ये समय को पसंद करें। ऐसा समय पसंद करें कि जब आपके आसपास कोई भी शोर वकोर हो रहा न हो, काफी शांति का माहौल हो, ऐसे समय में इस क्रिया को करना है। और हो सके तो इस क्रिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसको गुप्त रखें, छुपा करके रखें, क्योंकि जितने लोगों की ऐसी चीजों पर नजर पड़ती है तो ऐसी चीजों की जो शक्तियां होती हैं, जो पावर होता है, वो कम हो जाता है। तो इस क्रिया को आपको मध्य रात्रि को करना है। कोई भी एक आप रुपया ले लें, एक का सिक्का ले लें, 5 का सिक्का ले लें, या नोट ले लें, कोई भी धन ऐसा ले लें जो पैसा हो, जो द्रव्य हो, जो चलायमान हो, ऐसा कोई भी एक आप ले लें, चाहे 1 की नोट ले लें, 10 की नोट ले लें, कुछ भी ले लें, और उस पर आप ये जो नाखून है उसको रख दें। अब इसके ऊपर आपको 2 बूंद पानी की गिरानी है। नाखून के ऊपर 2 बूंद आपको पानी की गिरानी है। किस तरह से गिरानी है? आपको एक पैर पर खड़े रहना है। आप दूसरे पैर से दूसरे पैर का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जमीन पे सिर्फ आपका एक ही पैर होना चाहिए। हाथ से किसी भी चीज का सहारा नहीं लेना है। दूसरे पैर को आपको किसी भी चीज के ऊपर रखना नहीं है, सिर्फ एक पैर पर आपको खड़ा रहना है। और ये जो चीज है, इस पर आपको अपने हाथ में पानी लेकर के उस पर 2 बूंद आपको पानी गिराना है। मध्य रात्रि को ये क्रिया करनी है। अब ये जो नाखून से होता हुआ पानी आपके नोट में या पैसे में जो जाएगा, इसको लेकर के आप जहां कहीं भी पैसा रखते हैं वहां रख दें। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत कम समय में और बहुत आप कम परिश्रम करेंगे, इसके बावजूद आपके पास में बहुत अधिक मात्रा में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस नाखून को आप रख सकते हैं संभाल करके। इसके काफी प्रयोग हैं जो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश, और अपने जन्म में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।